अस्सलाम वालेकुम। और अक्सर जो आजकल इशू आ रहा है बहुत ज़्यादा, जो लोग मुझसे कंप्लेन कर रहे थे कि सर प्रॉब्लम ये आ रही बर्ड सेल नहीं हो रहा, ठीक है, बर्ड्स की प्राइसेस गिर गए हैं तो बर्ड्स बिक नहीं रहा, तो क्या मार्केट बिक गई है, लवबर्ड्स की बिक गई है, बर्ड्स की प्राइसेस कम हो गई हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या करें, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं इस चीज़ में। तो जो मेरे साथ भी हो रहा है, डेफिनेटली सी बात है, हर बंदे के बर्ड जो है स्लो हो जाते हैं। रीज़न्स क्या हैं, ठीक है, जब सीज़न ऑफ होता है, ठीक है, तो जब आप स्टार्ट लेता हूँ मैं, जैसे कि अभी सीज़न शुरू हुआ था तो क्या हुआ था, जब सीज़न शुरू हुआ था तो प्राइसेस एकदम बूस्ट करके, एक बर्ड फॉर एग्जाम्पल फिशर अगर 1000 रुपये का था वो फिशर 2500 रुपये चला गया, लुकिनो अगर 2100 रुपये का था लुकिनो 5000 रुपये पर चला गया, जावा अगर 2000-2500 रुपये की तो जावा 5000 4000-5000 रुपये चलेगी, ठीक है, फिंचेस अगर 600-700 रुपये की थी तो वो 1500 रुपये में फेल चला गया, पजरी अगर 500 रुपये का आती थी तो जा रेट चला है 400-500 का, तो जब सीज़न इन होता है तो ये जा रेट भी 700-800 तक पहुँच जाता है। रीज़न्स क्या है, घबराना नहीं है आप लोगों ने, आप लोगों ने समझने की कोशिश कर ली है कि क्या रीज़न होती है, ऐसा क्यों होता है, पर ये हर साल होता है, अप एंड डाउन हर साल होता है, क्यों होता है, जैसे ही देखिए ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है उन दिनों में एक्सपोर्ट भी ओपन हो जाता है, एक्सपोर्ट ओपन होता है कि बर्ड बाहर जाना शुरू हो जाता है, पहली बात तो ये, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है तो हर बंदा बर्ड को ब्रीड पर लगाता है, ठीक है, सीज़न शुरू हुआ मार्केट में क्या था, बर्ड की प्राइसिस कम थी, मार्केट में बर्ड ज़्यादा पड़ा हुआ था, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन जब खत्म हुआ था, जैसे अभी ब्रीडिंग सीजन ख़त्म हो रहा है तो हर बंदे के पास पूरे साल की ब्रीड पड़ी हुई है, पूरे साल की ब्रीड पड़ी हुई है, तो 3-4 महीने सिर्फ उसने बर्ड्स को दाना पानी ही खिलाना है और कुछ भी नहीं करना, 4 महीने बंदा ब्रीड नहीं दे सकता और मार्केट में प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाएगी, जब प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी तो डेफिनेटली सी बात है ब्रीडिंग सीजन ऑफ होगा तो मार्केट गिरेगी, डाउन होगी, टू डाउन होगी, क्योंकि डेफिनेटली बात है मेरे पास भी 100 बच्चा निकला हुआ, दूसरे के पास भी 50 बच्चा निकला, तीसरे के पास 400 बच्चा निकला हुआ, किसी के पास 500 बच्चा निकला हुआ है, तो क्या करना है, 400-500 बच्चा बेचना ही है ना, तो क्या होगा जब सीज़न ऑफ होता है तो लोग सब अपने साथ से उतारना शुरू करते हैं, बर्ड यार प्राइसेस गिर गई हैं, प्लेट गिर गई हैं, निकालो निकालो, लोग सस्ते में बर्ड अपना निकाल देते हैं, ठीक है, फिर जब ब्रीडिंग सीज़न आता है फिर क्या होता है, जब ब्रीडिंग सीज़न आता है फिर बाइंग का टाइम शुरू हो जाता है, हर बंदे ने बर्ड ब्रीड पे लगाना होता है और बच्चे लेने होते हैं, जब ब्रीडिंग सीजन में जब ब्रीड पे लगाना होता है तो डेफिनेटली बात है बर्ड मार्केट से शॉर्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर बंदा अपने पास होल्ड कर लेता है, हर बंदा अपने पास बर्ड खरीदना शुरू कर देता है कि भाई मैं खरीदूँ और ब्रीड पे लगाऊँ, नए फैंसियर आते हैं वो भी खरीदते हैं और ब्रीड पे लगाते हैं, बर्ड एक्सपोर्ट होना भी शुरू हो जाता है, जब बर्ड जो है डिमांड जब ज़्यादा आती है और जब बर्ड एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो जाता है डेफिनेटली बात है उसकी डिमांड जो है रेट हाई होने लगता है, और जैसे सीज़न ऑफ होता है प्रोडक्शन मार्केट में ज़्यादा उतरी होती है और उसकी डिमांड इतनी रहती भी है, तो 4 महीने तक सिर्फ बर्ड को संभालना है तो लोग बाइंग करना ख़त्म कर देते हैं, लोग क्यों बाइंग करना ख़त्म करते हैं, रीज़न एक रीज़न तो ये 4 महीने भाई दाना ही खिलाना है उसमें, क्योंकि 4 महीने खाना पिलाना है उसमें ब्रीड तो करते ही नहीं, तो 4 महीने वो कहते हैं यार एक काम करेंगे, 4 महीने में क्या हो सकता है, 4 महीने में बर्ड जाए बीमार भी हो सकता है, मर सकता है, 4 महीने में गर्मियों में हीट स्ट्रोक से भी बर्ड मर सकता है, 4 महीने में बर्ड के पास आपके पास वायरस भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 4 महीने में बर्ड के मरने की रेशियो तब जो कि 60% आप समझ लो होती है, अगर जो नए होते हैं जिनको नहीं पता तो 60% चांसेस है या 50-50% लगा लो कि 50% चांसेस है कि बर्ड इसमें से एक्सपायर हो गए, तो लोग क्या करते हैं बाइंग होल्ड स्लो कर लेते हैं कि 4 महीने दाना भी नहीं खिलाना पड़ेगा हमें, 4 महीने हमें बर्ड लेते इसलिए नहीं है कि भाई 4 महीने में अगर खुदा ना खास्ता मैं बर्ड अभी खरीदता हूँ, 4 महीने के अंदर बर्ड को वायरस आ गया है, बीमार हो गया, किसी वजह से मर गया तो लॉस है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं बाइंग कम कर देते हैं और वो कहते हैं वेट करते हैं सीज़न ऑन होने का, सीज़न ऑन होने से क्या फ़ायदा होगा, क्यों वेट करते हैं, एक तो क्या होगा जब सीज़न ऑन होगा उन्होंने बर्ड बाय करना है और बर्ड को ब्रीड पर लगा देना है, पहली बात ये, सेकंड चीज़ ये जो 4 महीने सर्वाइव करके बैठा होगा वही तो जिंदा होगा, जिसने बीमारी भी काट ली होगी, जिसने गर्मी भी सह ली होगी, जिसने सब कुछ कर लिया होगा, 4 महीने के बाद जो बर्ड बचता है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होता है और 4 महीने के बाद जो बर्ड बचा होगा डेफिनेटली मतलब उसने जो सीज़न था वायरस का उसको ऑफ कर दिया, उसने उस वायरस के सीज़न से बच गया, तो उसको जो है वो हेल्दी बर्ड होगा, उसकी एज भी पूरी हो चुकी होगी, एक वो बीमारियों से भी बच चुका होगा, डेफिनेटली बता मुझे सिर्फ ब्रीड ही करनी है, तो इसलिए लोग सीज़न में ज़्यादा पैसे देते हैं, अगर वो सीज़न ऑफ में एक बर्ड मिल रहा है 20,000 रुपये का, वो सीज़न ऑफ में वो सीज़न जब शुरू होगा, सीज़न ऑफ जब होता है जितना अभी गर्मियों का सीज़न आ गया, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बर्ड है पार्सल स्प्रेडिनो, फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपये का बिक रहा है, एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, इसको रेट को ना दिखेगा, और सीज़न इन होगा तो लोग इसको 25,000 का भी लेंगे, लोग इसको 26,000 का भी लेंगे, लोग इसको 27,000 का भी लेंगे, क्यों, एक तो उसकी एज भी बढ़ चुकी होगी और एक 4 महीने का जो सीज़न था उसका, जो वायरस वाला सीज़न था, बीमारियों वाला सीज़न था, गर्मी का सीज़न था, वो काट चुका होगा और उसकी एज भी कम्प्लीट हो चुकी होगी, अब उसे सिर्फ ब्रीड करनी है, तो लोग कहते हैं 4-5,000 ऊपर दे के एट द एंड ऑफ द सीज़न में हम लोग बर्ड बाय कर लेंगे, ये लॉजिक समझिएगा, इस टाइम पे घबराना नहीं होता,
जो लोग जिस तरह बर्ड की फील्ड वही फील्ड है जिसमें लोग तभी कामयाब हो सकते हैं जब आप लोगों में सबर है। जिसमें सबर नहीं है वो कभी भी कामयाब हो। ये नहीं आपने डरना भाई ऑफलाइन के रेट गिर गए हैं, उसके रेट गिर गए हैं, उसके रेट गिर गए हैं, गिरता किसी का रेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग पावर होती है। बड़ा ब्रीडर है वो भी ऑफलाइन 1.5 लाख रुपये का इनकी सेल कर रहा है, 250 सेल कर रहा है, बिक रहे हैं ना, क्या है उनमें होल्डिंग पावर। हमको पता है भाई हमारा बर्ड बिकना है, हमने बेचना इसी पे है, हम लोग घबराते नहीं हैं वो लोग, ठीक है। वो क्या करते हैं होल्ड कर लेंगे, होल्ड करने के बाद सीजन में क्या होगा, जब बर्ड शॉर्ट होगा मार्केट में मिलेंगे नहीं मार्केट में बर्ड प्रॉपर एज का, 8 महीने का 9 महीने का 10 महीने का बर्ड नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली पर लोग फिर उसके लाख लाख भरेंगे, लाख लाख रुपये का भी खरीदेंगे। अभी जो ऑफलाइन जो 30,000 रुपये का भी हुआ वो 40,000 का भी लोग भी देने के तैयार हो रहे हैं, वही सीजन के अंदर जब नहीं मिलेगा लोग 50,000 भी बढ़ेंगे, 60,000 भी बढ़ेंगे, 70,000 भी बढ़ेंगे उस बर्ड का। क्यों? डेफिनेटली पर जब वो मार्केट में होगा ही शॉर्ट हो जाएगा और प्रॉपर एज का बर्ड मिलेगा नहीं तो लोग खरीदेंगे, तो घबराना नहीं होता। देखें ये फील्ड हाई पेशेंस पर अल्लाह पे तवक्कुल रखें, घबराए नहीं, ये लॉजिकल बात है। जब सीज़न ऑफ होता है बर्ड की प्रोडक्शन मार्केट में ज़्यादा उतर जाती है, गर्मी का सीज़न आ चुका होता है, ब्रीडिंग सीज़न ऑफ खत्म हो चुका होता है, तो प्राइसेस डाउन होती हैं, हर बर्ड की डाउन होती है, एक बर्ड की बात नहीं, हर बर्ड की प्राइसेस डाउन होती है। और जैसे सीज़न शुरू होगा एक्सपोर्ट भी ओपन हो जाएगा और ब्रीडिंग सीज़न भी आ जाएगा और हर बंदा जो है बर्ड मांगेगा अपने ब्रीड पर लगाने के लिए, उस टाइम लोग डबल डबल पैसे भी देते हैं एक बर्ड के, क्यों, जो उन्होंने ब्रीड पर लगाना होता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग से लालच चाहिए, हम लोग क्या करते हैं बर्ड को 4 महीने जो असल टाइम होता है खिलाने का, यही दिन है असल में बर्ड खरीद कर पाल कर उनकी केयर करने की। क्योंकि अगर आप 3 दिनों में पट्टे खरीदोगे, आप उनको अच्छे सॉफ्ट फूड पे खिलाओगे, अच्छा माहौल दोगे, तो वो बर्ड अच्छे से अच्छी ब्रीड करेगा, ना कि आप आखिरी टाइम पे बर्ड लेके उसको आप पता नहीं अगले ने क्या खिलाया, अगले ने सिर्फ दाना पे रखा हुआ सॉफ्ट फूड भी खिलाया नहीं, फिर जब वो ब्रीड करता है वो सॉफ्ट फूड खाता नहीं है, सॉफ्ट फूड खाता नहीं है तो अपने बच्चों को खिलाता नहीं है, तो बच्चों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। फिर हम लोग कहते हैं यार बस बर्ड जो है वो सॉफ्ट फूड हमारा खाते ही नहीं है, तो क्या करें। सीज़न ऑफ इज द बेस्ट सीज़न होता है, सीज़न जब ऑफ होता है गर्मी का सीज़न होता है, यही सबसे बेस्ट सीज़न होता है कि जब आपने बर्ड को खरीदना है और खरीदने के बाद आपने बर्ड की केयर करनी है, केयर करके उनको सॉफ्ट फूड पर लगाना है, और अगर आपके जो पुराने ब्रीडर पेड़ थे उनको रेस्ट देना है, रेस्ट देकर अच्छे से अच्छे सॉफ्ट फूड करना है ताकि वो दोबारा बर्ड रिकवर हो और अगले साल ब्रीड करने के काबिल हो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उल्टा चल रहे होते हैं, हम लोग जब ब्रीडिंग सीजन आता है हम ब्रीडिंग फार्मूले हर तरह की मेडिसिन चलाते हैं लालच में आके कि ब्रीड करेगा और हमें प्रॉफिट होगा। जब सीजन ऑफ होता है फिर हम बर्ड को दाना पानी भी कम करते हैं, पहले हम एक फॉर एग्जाम्पल अच्छी क्वालिटी का दाना खिला रहे हैं, जब सीजन ऑफ होता है तो हम बैड क्वालिटी का बाजरा और हल्की गोल कर डाल के बर्ड को दे देते हैं, अच्छी क्वालिटी का दाना भी नहीं खाते, अच्छे सॉफ्ट फूड भी नहीं खिलाते, उनकी केयर ही नहीं करते, फिर वो नेक्स्ट ईयर एवरेज देते ही नहीं है। यही टाइम है आप लोगों का सीजन ऑफ का, आप लोगों ने अच्छे से बर्ड खरीदने, आप देखो ध्यान करो जिनके पास अच्छे बर्ड हैं इन दिनों में बर्ड आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हो तो रीजनेबल प्राइस में आपको बर्ड मिलते हैं, आप लोग अच्छे ब्रीडर के पास जाओ, उसको देखो साफ सुथरा माहौल है, लेके आओ उसको रेडी करो अपने पास खाओ, और अगर आपके बर्ड नहीं बिक रहे उनको होल्ड आउट करें। उन लोगों के लिए जिनका बर्ड सेल नहीं हो रहा, प्राइस को इतना थर्ड क्लास करके बेचने की जरूरत नहीं है, मार्केट को हम लोग गिराते हैं कोई पता नहीं गिराता। अगर आप लोगों में पेशेंस है, सबर है, अल्लाह पे तवक्कुल है, तो आप 2-4 महीने सिर्फ हम लोग कोई भी हमारी उपाय हम दाना खिला सकते हैं बर्ड को, हम लोगों की उपाय ही है, हम इंसान को किसी कतरा भी नहीं पानी का पिला सकते, हम किसी अनाज में दाना भी नहीं खिला सकते, अल्लाह दे रहा है, अल्लाह ने हमें सिर्फ वसीला बनाया हुआ है। घबराना नहीं है, अच्छे से अच्छे अपना बर्ड को खिलाओ, टाइम है 3-4 महीने। फॉर एग्जाम्पल अभी एक बर्ड आपका 10,000 रुपये का नहीं बिक रहा, इंशाल्लाह सीजन ऑफ में वो 12 से 15,000 रुपये भी आपका लोग लेंगे, क्यों, वो जब एफ बी बैठा उसकी उम्र भी पूरी होगी, उसकी ग्रोथ भी हो चुकी होगी और सीजन भी शुरू हो चुका होगा। यही लोग जो आपसे भी जो आप कचरा रेट लगा रहे हैं, यही लोग आपके ब्रीडिंग सीजन में अच्छे पैसे देके आपसे बर्ड खरीदेंगे, तो आपने घबराना नहीं है। जो लोगों का बर्ड नहीं बिक रहा, चिल करें, रिलैक्स रहें, अपने बर्ड की केयर करें, अल्लाह पे तवक्कल रखें, इंशाल्लाह आपके लोगों के बर्ड बिकेंगे। लॉजिक मैंने बता दी, जब ब्रीडिंग सीजन ऑफ खत्म होता है प्रोडक्शन मार्केट में ज़्यादा होती है, लोग पैनिक करके और बर्ड की प्राइसेस गिरा के रिड्यूस करके बेचना शुरू कर देते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है, ये हर साल इसी तरह होता है। और जैसे सीजन ऊपर होगा दोबारा ब्रीडिंग सीजन आएगा, जैसे ही अगस्त सितंबर का टाइम आना लगेगा यही बर्ड आपके अच्छे पैसों में बिकना शुरू हो जाएगा सीजन ऑफ हो जाएगा। तो ये 3-4 महीने का जो प्रोमोशन पीरियड है इसमें आपने बर्ड को कंट्रोल करना है, अपने होल्ड करना है, अच्छे से खिलाना है, अच्छे से पिलाना है और रिलैक्स करना है, चिल करना है। अपने बर्ड्स की कीमत अगर 50,000 है उसको 20,000 या 25,000 में मत बेचें, इंशाल्लाह आपके बर्ड की कीमत में आपके बर्ड की जो बर्ड है अच्छे पैसों में बिकेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह पर तवक्कुल रखें। वीडियो बनाने का मतलब ये था, जो लोग बेचारे बहुत डिमोटिवेट हो चुके थे, जिनका बेचारे का जो बर्ड बिक नहीं रहे थे, बड़े पैनिक हो रहे थे, तो भाई पैनिक होने की जरूरत नहीं, मैं आप लोगों को अपने भी बर्ड दिखा देता हूँ, आप लोग बर्ड देखें,
ठीक है, कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास भी बर्ड पड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी उनको होल्ड करा हुआ है, 4 महीने जहाँ पे और खिला लिए वहाँ पे 3-4 महीने और खिला के बर्ड को रेडी करके बेचूँगा। इतनी जल्दबाजी कोई भी नहीं है बेचने की मुझे भी, तो इसलिए चिल रहे, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं, बस बर्ड का ख्याल रखें अपने बर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा। अब गर्मी की वीडियो है तो उसके हिसाब से भाई आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करवाए अपने बर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा, धनिया पुदीना चुकंदर लौकी खीरा कद्दू सब्जियों का इस्तेमाल कराएँ, ठीक है, ये ज़्यादा जितनी ज़्यादा सब्जियाँ खिला सकते हैं, जितने ज़्यादा फ्रूट्स खिला सकते हैं अपने बर्ड्स को खिलाएं। फ्रूट्स में देखा होगा आप खीरा खिला, फ्रूट्स में आप सॉरी वाटरमेलन खिला सकते हैं, तरबूज खिला सकते हैं, एप्पल खिला सकते हैं, अंगूर खिला सकते हैं, ग्रेप्स खिला सकते हैं, ठीक है, सेब खिला सकते हैं, जो भी आप खिला अमरूद खिला सकते हैं, इस तरह की जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप बर्ड्स को टेस्ट करवाएँ अपने खिलाएँ। और वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, जितनी वेजिटेबल्स खिला सकते हैं खिलाएँ। बर्ड का टेम्परेचर रूम का 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 30 के अंदर होना चाहिए, रूम कूलर लगाएँ, एग्जॉस्ट फैन चलाएं, ठीक है ये। और बर्ड्स को लंबी फ्लाइट्स में छोड़ के, ज़्यादा बड़ी से बड़ी फ्लाइट में छोड़ के, मेल्स को अलग रखें, फीमेल्स को अलग रखें, ठीक है, और लंबी फ्लाइट्स में बर्ड्स को अपनी छोड़ दें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जो थोड़ा सा दिन है ये गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह पे तवक्कल रखना है और रिलैक्स रहना है, ये मार्केट को कुछ नहीं देखना, जो अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ है आपकी रसीद में, जो आपको नफ़ा मिलना है वो मिल के रहेगा, अगर नुकसान लिखा हुआ वो नुकसान मिल के रहेगा, कुछ भी नहीं होना, इसलिए घबराना नहीं है, चिल रहना है, ठीक है, अल्लाह पे तवक्कल करना है, जितना अल्लाह ने आपके नसीब में आपको पैसा लिखा हुआ और आपको आना है वो आपको मिल करेगा, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पे तवक्कल रखो, हम लोग मुसलमान हैं तो अल्लाह में अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, ठीक है। मेरा रोजी आजकल हालात थोड़े से मेरे भी टाइट चल रहे हैं, डेफिनेटली बात है, सीजन ऑफ हो गया, बर्ड जो है अभी स्लो है, मगर मैंने होल्ड किया हुआ है, क्योंकि मेरा तो पूरा सर्कल बर्ड के ऊपर है, मगर अप एंड डाउन आती रहती है, घबराना नहीं, अल्लाह रिस्क देने वाला अल्लाह देगा इंशाल्लाह। तो इसलिए ये मोटिवेशन थोड़ी सी वीडियो थी कि लंबी ज़्यादा नहीं करूँगा, कि भाई घबराओ नहीं, बर्ड बाय करने हैं करो, बर्ड बाय देख के समझ कर, जिन लोगों के पास अच्छे सेटअप लगे हुए हैं, अच्छे बर्ड्स हैं उनके पास, फिर सेटअप साफ सुथरे हो, जो वैक्सीनेशन का ख्याल रखें, फेस करें अपने बर्ड के ऊपर प्रॉपरली, इनके शर्ट साफ हो, ताकि वायरस वाली जगह से बर्ड आएगा तो आपको बर्ड को भी वायरस कर सकता है, अगर अच्छे शर्ट में से बर्ड आएगा तो डेफिनेटली बात है वो क्योर होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह रमजान के बाद जो है वीडियोस बनना शुरू हो जाएंगी, लाइव सेशन भी शुरू हो जाएंगे, तो घबराना नहीं है, दुआ करें मेरे लिए भी, अल्लाह हमारे लिए मेरे लिए भी आसानी पैदा करें, अल्लाह हम सब के लिए आसानी पैदा करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।